बच्चों, मैं मोहम्मद इदरीस मोहम्मद इब्राहिम। प्यारे बच्चों, ऊपर की सरगर्मी से आपने जान लिया है कि कुछ पकवान पकाते वक्त इन्हें हराम दी जाती है, मसलन दाल, चावल, गोश्त, सब्जी, अंडे वगैरह। लेकिन कुछ पकवान, कुछ अशिया हम बगैर पकाए खा लेते हैं, मसलन ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, आम, सेब वगैरह। तो अब आइए हम जानते हैं कि पकवान किस तरह बनाते हैं। लोग अपनी पसंद के मुताबिक तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इन पकवान को बनाने के लिए की चीज जरूरत होती है? हाँ प्यारे बच्चों, इन पकवान को बनाने के लिए सब्जी, गोश्त, चावल, दाल, गेहूं, बाजरा और कुछ फल, मसलन बिरयानी, पुलाव, गोश्त और खीर, पूरियां वगैरह। कई पकवान तैयार करने के लिए इन्हें हरा देनी पड़ती है, जैसा कि चावल में पानी डालकर इसे उबालते हैं, पूरियां, भजिए जैसी चीजें उबाली या भूनी नहीं जाती बल्कि इन्हें तला जाता है। इन्हें तलने के लिए घी, तेल का इस्तेमाल करते हैं। मोदक, इडली जैसी चीजें हम भाप में पकाते हैं। चपाती, रोटी सेक कर बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गिजाई अशिया को हरा क्यों दी जाती है? प्यारे बच्चों, गिजाई अशिया को हरा देकर इसलिए पकाते हैं कि गिजाई अशिया पकाने से मजेदार और आसानी से हजम हो जाती है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि सभी गिजाई अशिया को हरारत नहीं दी जाती है। कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं, जैसा कि ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर और तमाम फल वगैरह।